नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया जो कि आपका प्रॉफिट और ज्ञान बन का मोटिव बना रखे। दोस्तों अभी हम बात करने वाले वेडल के बारे में। वेडल दोस्तों वेदांता शेयर है, जो कि शेयर कैसा है कि बहुत दिनों से एक रैली देने के बाद नीचे आ गया था और जिसके कारण मार्केट में लग रहा था कि और शेयर ही नीचे जाएगा। मगर दोस्तों इतनी मंदी होने के बावजूद भी ये शेयर में गिरावट नहीं आई ज़्यादा और मार्केट में होल्ड करने का एक उसने जो तरीका निकाला था, जो 1 या 2% गिरता था शेयर। मगर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ है, देखिए अभी तो आपको लेके चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर जानेंगे हम। टेक्निकल चार्ट पर जाने के बाद वेडल यहाँ से कितने आगे बढ़ सकता है वेदांता और कितने नीचे तक जा सकता है। दोस्तों अभी तो हमें बात करनी आने वाले उसके कुछ दिनों के टारगेट के बारे में और अपने टारगेट में पैसा कैसे बने, ये तो सबसे ज़रूरी बात होती है, उसके बारे में हम जानेंगे टेक्निकल चार्ट पर। दोस्तों हम अभी चल रहे टेक्निकल चार्ट पर देख रहे थे। दोस्तों अभी हम आए टेक्निकल चार्ट पे और टेक्निकल चार्ट पे देख रहे एक बढ़िया सा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो लेवल है 145 रुपीज़ का जो लेवल है वो बन गया है और वहाँ पे मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे पे तो ब्रीच हुआ था, मगर जो वन डे पे चार्ट पे था वो क्लोजिंग तो उसके ऊपर ही हुआ था, जिसके कारण एक कंसोलिडेशन जो लेवल था वो मिलना था वो मिल गया और जिसके कारण आप देख सकते हैं दोस्तों आज का मार्केट जो ट्रेमेंडसली बाउंस बैक लेके उसके साथ मार्केट में आज लगभग 6 या 7% की उसने एक रेंज दिखाई है। दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं जो आने वाले टारगेट है उसमें हमें कितना टारगेट देखने मिल सकता है दोस्तों, और हमें जो टारगेट मिलेगा उसके साथ हम कितना प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। लगभग दोस्तों यहाँ से आपको देखा जाए तो 155 का उसने तो हाई आज बना ही लिया है, 155 का तो हाई बना ही लिया है दोस्तों। और बात बता दें आपको, यहाँ पे मार्केट जो है जो 30 डेज मूविंग एवरेज है दोस्तों ये देख रहे हैं, अब 30 डे मूविंग एवरेज का जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर काम कर रहा है, मतलब उसने अभी एक कंसोलिडेटिव बनाई है। बहुत दिनों के बाद 30 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रहने के बाद उसने अभी एक थोड़ा सा ऊपर अपना चरण बना लिया है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है यहाँ से आगे बढ़ने वाला है शेयर। दोस्तों अभी देखिए 155 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ से टारगेट आपको कितना मिलने वाला है। दोस्तों आने वाले 15 दिनों में आपको 170 का टारगेट मिलने वाला है और लगभग दोस्तों आपको आराम से ये टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं यहाँ से 170 टारगेट है तो आपको इजीली हासिल हो जाएगा। दोस्तों हमने ये टारगेट हमारे जो व्हाट्सएप मेंबर्स हैं उनको दिए हुए थे और हमारे ग्रुप में थे, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट आज के दिनों में कमाया हुआ है। दोस्तों आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कब ये न्यूज़ दी हुई थी, जिसके कारण जो लोग आज थोड़ा सा प्रॉफिट में 7 या 8% के प्रॉफिट में दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और जानेंगे कितना हमने और कौन से तारीख को टारगेट दिए हुए थे। दोस्तों हम अभी आए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 17 सितंबर 2019 को हमने लोगों को बताया था, जो हमारे क्लाइंट है उनको बताया था कि लगभग हमने उनको 10:01 पे वो ट्रेंड बताया था कि वहाँ पे आपको वेडल को बाय करना है 170 टारगेट के लिए। दोस्तों स्टॉप लॉस दिया था 143 रुपीज़ का। देखिए दोस्तों 143 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिया था, अब तक मार्केट ने 145 की लेवल होल्ड करके रखी हुई है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जो हम कॉल दे रहे आपका उसमें पैसा बने, और दोस्तों हम अपेक्षा ही करते हैं कि आपका प्रॉफिट बने तभी हमारा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉफिट है। दोस्तों हम चलते हैं अभी एनएससी की साइट पर, देखेंगे एनएससी की साइट पर जाके उसमें कितने ट्रेड वैल्यू हो गए आज के लिए, ट्रेड क्वान्टिटी हुई है। दोस्तों हम अभी आए एनएससी के साइड पर, एनएससी के साइड पर देख रहे हैं मार्केट अभी 154 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और जिसके कारण एक अच्छा सा लेवल है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगभग मार्केट 5.5% के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए पिछला प्रीवियस क्लोज है दोस्तों 156 रुपीज़ का, जो ओपनिंग हुआ था 147 रुपीज़ के लगभग ओपन हुआ था, जो आज का हाई है दोस्तों लगभग 155.55 के लगभग उन्होंने मारा हुआ है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उसकी आज की ओपनिंग लेवल की, और हमें देखना है दोस्तों इसने कितना ट्रेड सेटअप में आज क्वांटिटी ट्रेड की हुई है, जिसके कारण हमें लगे कि आने वाले दिनों में हमें इससे बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट में टोटल है 37,92,585 जो क्वान्टिटी है ट्रेड हुई है, 37,92,585 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से 8,52,695 क्वांटिटी है दोस्तों डिलीवरेबल हुई है, और जिसमें कि हम मान सकते हैं एज अ परसेंटेज में 22.48% वो डिलीवरी में कन्वर्ट हुई है एज अ परसेंटेज में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डिलीवरी तो आई है इसमें, जो कि बहुत अच्छा एक लेवल माना जाएगा। 20% के आगे डिलीवरी होती है किसी शेयर में तो अच्छी ही मानी जाती है, और यहाँ से दोस्तों इस शेयर में आने वाले दिनों में आपका प्रॉफिट बनने का जो लेवल है आराम से
आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनका नॉलेज और उनका प्रॉफिट उनका मोटिव आपके साथ बना रहेगा, और दोस्तों आपको एक ब्लेस मिल जाएगा जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो लग रहा है जो शेयरिंग चल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड होता है, जिसके कारण आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा इनडायरेक्टली। थैंक यू दोस्तों।